इंटर्नशिप क्यों करनी चाहिए? हेलो दोस्तों, मैं हूँ प्रोफेसर सीमा गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं इंटर्नशिप्स के बारे में। अब आप लोग कहेंगे, क्या मैम, पढ़ाई भी करनी है, काम भी करना है, टाइम कहाँ है? क्या आपको पता है 10 नवंबर को हर साल इंटरनेशनल इंटर्न्स डे मनाया जाता है? तो आखिर इंटर्नशिप करना इतना जरूरी क्यों है? चलिए देखते हैं। इंटर्न शब्द दरअसल मेडिकल कम्युनिटी के लिए प्रयोग किया जाता था, उन छात्रों के लिए जिनकी ट्रेनिंग चल रही होती थी। इससे हम ये समझ सकते हैं कि इंटर्नशिप का अहम कारण है ट्रेनिंग, यानी सीखना। ये ले आता है मुझे आज के पहले पॉइंट पर। नंबर वन, कॉन्फिडेंस। वो कहते हैं ना दोस्तों कि आत्मविश्वास से कोई भी जंग जीती जा सकती है। डरिए मत, आपको कोई जंग नहीं लड़नी होगी। अगर आप इंटर्नशिप करके हर रोज नई चुनौतियां अपनाएंगे तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ये आपको इंटरव्यूज देने, नए लोगों से बात करने में काफी मदद करेगा। एक फैक्ट, एक सर्वे में पता चला है कि 52% लोग बोलने से कतराते हैं। हैरानी की बात है कि नहीं? नंबर टू, बेनिफिट, बेहतर जॉब के लिए। सारी बड़ी कंपनियां उन लोगों को नौकरी देना पसंद करती है जिनके पास पहले से काम करने का एक्सपीरियंस हो। हाल ही में फेसबुक जैसी बड़ी कंपनी ने काफी लोगों को नौकरी पर रखा, जिसमें से 80% लोग इंटर्न्स रह चुके हैं। उसी तरह गूगल के 78% लोग इंटर्न्स रह चुके हैं। थर्ड बेनिफिट, वर्क कल्चर समझने के लिए। फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी में आप अपने कॉलेज की तरह नहीं रह सकते। जब आप नौकरी पर जाते हैं तो आपसे एक सलीके की उम्मीद की जाती है। अगर आपको इसकी समझ पहले से होगी तो बाद में एडजस्ट करने में आसानी होगी। क्या आप जानते हैं 56% इंटर्न्स की इंटर्नशिप नौकरी में बदल जाती है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है कंपनीज के कल्चर को समझने का। फोर्थ बेनिफिट है नेटवर्किंग। स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 85% पोजीशंस नेटवर्किंग के द्वारा भरी जाती है। आप इंटर्नशिप के द्वारा नए नए लोगों से मिलते हैं, इससे आपकी जानकारी बढ़ती है, इससे आप उनकी रोजाना जिंदगी के बारे में जान सकते हैं और अपना फैसला कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंटर्नशिप करिए नेटवर्किंग के लिए। फिफ्थ बेनिफिट है अन्य क्षेत्रों की जानकारी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 85% लोग अपने जॉब से खुश नहीं हैं? इसके अनेक कारण हो सकते हैं, पर एक कारण ये भी है कि वे अपने मनपसंद क्षेत्र में नहीं हैं। वे एक ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिसमें उनको इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन अगर आप अलग अलग क्षेत्रों में इंटर्नशिप कर लें तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं। तो दोस्तों, उससे आप सही डिसीजन ले सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपने एक्सपीरियंसेस मुझे बताएं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें, जिससे जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूंगी तो आपको पता चल जाएगा। देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। बाय।